और अगर मैं यहाँ पे कुछ उछल कूद के रिकॉर्ड भी करूँ, कैमरा बहुत जोर जोर से हिला रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आपने रिसेंटली हमारी कुछ वीडियो देखी होंगी। जैसे कि आपको पता है कि हम वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे थे, लेकिन अब से हम कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो आपको जल्दी जल्दी दे। वैसे यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा इशू रहता है, वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है, कि घंटा लग जाता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर दिन नया वीडियो दें। मैं ब्लॉगिंग सेटअप थोड़ा सा अपग्रेड कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको कुछ वीडियो में बताया है। तो अगर आपने अभी तक हमारे ब्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यहाँ पर आ रहा होगा हमारे ब्लॉगिंग चैनल का नाम। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर भी क्लिक करके जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इसे अनबॉक्स करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या है, और इसकी रिव्यू भी देंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा जब यूज़ करेंगे तो उसके साथ ही आपको थोड़ी सी और चीज़ें भी बताएंगे। तो चलिए फटाफट से पहले बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस सील को काटने के लिए इस चाकू का इस्तेमाल करेंगे। तो फटाफट से कट कर लेते हैं। और अभी तक मैंने इसे देखा नहीं है, और मेरे पास आके तकरीबन 2 दिन हो गया है, और मेरे पास कुछ उस तरह का सेटअप नहीं है जैसे कि प्रोफेशनल लोगों के पास होता है। मैं तो बस कहीं पर भी अनबॉक्सिंग कर देता हूँ, और आप देख ही रहे हो छत पे अनबॉक्स कर रहे हैं क्योंकि नीचे काफ़ी ज़्यादा शोर था। तो अब बॉक्स के अंदर से हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक पर्ची दिख रही है, तो ये है बिल, और ये मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊँगा कि आखिर ये हमें कितने का पड़ा। तो यहाँ पर आपके सामने बॉक्स आ चुका है, और इस पर है हमारा एक एक्शन कैमरा जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, उज़्मा एक्शन, जो कि DJI कंपनी का है, और यहाँ पे आप उसका लोगो भी देख सकते हो। और इस बॉक्स पे आपको कई सारे इन्फॉर्मेशन भी पीछे देखने को मिल जाती है, जो कि मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको डुअल स्क्रीन मिल जाती है, यहाँ पे 4K HDR पर शूट कर सकते हैं, वाटरप्रूफ 11 मीटर तक है बिना केस के, अगर केस आप लगाओगे तो 30 मीटर तक हो जाता है। और यहाँ पर रॉक स्टडी मोड है, ये इतना स्टडी है कि आपको क्या ही बताया जाए, अभी आप उसका फुटेज भी दिखाएंगे आपको। तो इसीलिए मैंने लिया है कि यहाँ पे स्टेबिलाइजेशन जो है बहुत ही अच्छा है, और ये मैं अपने कैमरे को अपने हेलमेट में लगा के ब्लॉक कर सकता हूँ, जिससे कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे 4K आप 60 FPS तक शूट कर सकते हो, जो कि अच्छी बात है। और यहाँ पर 8x ऑप्टिकल जूम भी मिलता है, देखो 1080p। तो सबसे पहले इसका हम रैप हटा लेते हैं। तो ये रहा हमारा कैमरा, थोड़ा सा आपको इसका हम सिनेमैटिक आउटडोर में शूट करने का ये दिक्कत है, काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा होता है। अभी तक हमने बॉक्स के अंदर क्या है नहीं दिखाया, जब तक हम निकाल के आपको सामने दिखा ना दें हमें भी तसल्ली नहीं मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। तो फटाफट से हम इसे इसके अंदर से अपना मेन मटेरियल जो है उसे बाहर निकाल लेते हैं। तो बने रहिए आप इस वीडियो में। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पे एक सील है, इसे भी हम कट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। उसके बाद हम बॉक्स को ओपन करेंगे आपके सामने। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है एक छोटा सा बॉक्स, ये वाली बॉक्स। तो इस छोटे से बॉक्स में क्या है अभी आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर कोई भी सील नहीं लगी हुई है, तो इसे हम खोलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिलते हैं। भाई साहब वाह, ये तो कितना मोटा है, और इसमें चाइनीज और इंग्लिश में लिखा गया है। और इस बॉक्स में क्या है वो भी देख लेते हैं। तो एक और हमारे पास मिलता है ये केस, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसके अंदर बैटरी होगी जहाँ तक मुझे पता है, तो इसे हम खोल के देखते हैं। तो यहाँ पर आपको बैटरी देखने को मिलती है, और यहाँ पर एक मेमोरी कार्ड आता है जो कि इन्होंने दिया नहीं है, शायद हो सकता है ना हो, इस समय ऑफर नहीं चल रहा। तो ये रही बैटरी, और 1300 mAh की बैटरी है जो कि 1 घंटे आसपास चलेगा, 1 या 1.5 घंटे, मुझे नहीं पता, इसका हम जब इस्तेमाल करेंगे तो पता लगेगा। एक टाइप सी केबल है जिससे हम अपने कैमरे में बैटरी लगा के चार्ज कर सकते हैं। और देखते हैं हम इस बॉक्स में क्या है। तो डब्बा हमारा खुल चुका है, और इसके अंदर है हमारा मेन प्रोडक्ट, इसे रखते हैं साइड में। यहाँ पे हमारा मेन प्रोडक्ट, ये रहा हमारा कैमरा। ओ भाई साहब, बहुत छोटू सा है यार। अंदर वाटरप्रूफ केसिंग की गई है, और ये केस के अंदर है, तो ये केस है इसका। तो इसे हम केस से बाहर निकाल लेते हैं एक बार। तो यहाँ से कुछ इस तरह से खुलता है ये,
और ये रहा हमारा कैमरा, और यहाँ पे इसका बैटरी सेक्शन है, यहाँ पे बैटरी लगेगी। बहुत छोटा यार, लेकिन हाँ भारी है। आपको बता दें कि ये 12 मेगापिक्सल का कैमरा इसमें लगाया गया है। बाकी अभी तक हम अभी थोड़ी देर में इससे शूट करेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरह से फुटेज इसमें आती है। बाकी इसका मैं फुल रिव्यू अगली वीडियो में दूंगा, ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए कि इसमें किस तरह से होता है। जब हम इसे बाहर भी शूट करेंगे, आउटडोर भी शूट करेंगे, कुछ ब्लॉग भी बनाएंगे, तो आपको इस वीडियो में देखने मिल जाएगा कि ये कैमरा कितना अच्छा है और किस तरह से हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका जो स्टेबलाइजेशन है, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर बताया, कितना अच्छा काम कर लेता है। तो सारी चीज़ें आपको अगली वीडियो में देखने मिलेंगी। अभी के लिए हम इसको ऑन करते हैं और आपको दिखाते हैं। आप अपने कैमरे को एक एप्लीकेशन के थ्रू कनेक्ट भी कर सकते हैं, जिससे आप ढेरों सारे चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे मेमोरी लगाने के लिए यहाँ पे सेक्शन दिया गया है इसका, देखो कुछ इस तरह से खुलता है, और यहीं पे आपका टाइप सी केबल लग जाता है, तो यहाँ पे मेमोरी कार्ड लगेगी। ये रहा आपका QR कोड, जिसे आप स्कैन करके अपने मोबाइल के थ्रू इसे कनेक्ट करके बहुत सारी चीज़ें भी कर सकते हो। इसका जो डुअल स्क्रीन है, वो आप यहाँ पे प्रेस करके या फिर डबल टैप करके भी आप बदल सकते हैं। जैसे इस पे अभी देखो आगे वाला है, अब इसको हम क्लिक करेंगे तो ये वाला चालू हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, इसे भी हटा देते हैं, ये वाला भी हटा देते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमारे कैमरे को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। वैसे ठीक ठाक है यार कैमरा, मतलब उतना भी बुरा नहीं है, 12 मेगापिक्सल है, लेकिन ओ माय गॉड मतलब अब इसे हम थोड़ा सा फुटेज शूट कर लेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे। मेमोरी कार्ड हम लाए नहीं है, लेकिन इसी मेमोरी कार्ड को, कैमरे के मेमोरी कार्ड को निकाल के इसमें लगाएंगे। उसके बाद मैं थोड़ी सी आपको लास्ट में फुटेज शेयर कर दूंगा, क्योंकि दोबारा से कैमरे में लगाना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, तो इसको रखते हैं साइड में। तो दोस्तों ये रहा DJI Osmo कैमरे का अनबॉक्सिंग, और अभी आपको थोड़ी देर में हम फुटेज शेयर करेंगे, जिससे आप पता लगा सकते हो कि आखिर इस कैमरे की क्वालिटी कैसी है। मुझे तो अच्छी लगी जिस हिसाब से है, और आप पूछोगे कि ये कैमरा हमने कितने का ख़रीदा है, तो ये हमने ख़रीदा है 20,990 रुपये का। हो सकता है आपको ये सस्ते में मिल जाए या फिर थोड़ा सा महंगा भी हो, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि मैंने ये फ़्लिपकार्ट से मंगाया है, तो प्राइस जो है ऊपर नीचे जाते रहता है। कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले ये 19,999 का था, उस टाइम पे मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था कि कौन सा कैमरा लेना चाहिए, नहीं तो मुझे भी 1,000 सस्ते में मिल जाता। तो चलो फटाफट से आपको वो फुटेज दिखा देते हैं, बाकी की वीडियो जो है मैं इसका फुल रिव्यू वीडियो आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, तो मैं इसमें हो सकता है बहुत सारी चीज़ें कट कर दिया हूँगा। लेकिन फिर भी आपने यहाँ तक देखा तो थैंक यू सो मच यार, इसी तरह से आप लोग प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए। और हाँ, ब्लॉगिंग वाले चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आप फुटेज देखिए। तो अभी ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम DJI Osmo Action से, और ऐसा हमारा गांव दिखता है, जैसे कि आप वीडियो फुटेज क्वालिटी देख सकते हो, और रॉक स्टडी मोड ऑन भी है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से फुटेज निकल के आती है, देखो। और ये हम सन के अगेंस्ट शूट कर रहे हैं, तो ये ऑटो एडजस्ट कर लेता है, जो कि अच्छी बात है। और ये रहा हमारा सूरज, बादल, ये सूरज है, लेकिन फिर भी देखो सन के अगेंस्ट भी कितना अच्छा शूट कर लेता है। लेकिन बैटरी बहुत तेज़ गिर रही भाई साहब, 23% था जब से मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ, तो अभी 5% बैटरी बची है। और ये आवाज़ भी रिकॉर्ड हो रही है इसी के कैमरे से, इनबिल्ट जो माइक दिया गया है उसी से शूट हो रहा है। और जैसे कि हम अगर स्क्रीन चेंज कर लें, अब यहाँ से आप देख सकते हो हमें, और ये हम वीडियो शूट कर रहे हैं, देखो 1080p 60fps पे, और ये जो आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है इसी के इनबिल्ट माइक से, और इसमें चार्ज बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही कम हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पे कुछ उछल कूद के रिकॉर्ड भी करूँ, कैमरा बहुत ज़ोर ज़ोर से हिला रहा हूँ, लेकिन फिर भी अब देखो कैमरा मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से हिला रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो फुटेज उतना ज़्यादा नहीं हिल रहा है। अब जब एडिटिंग करेंगे तो उसमें हमको पता लगेगा। तो ये रहा इसका सैंपल वीडियो का सैंपल शॉट, जो कि मैं एकदम देखो पूरा 360 डिग्री टर्न हो जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि वीडियो क्वालिटी कुछ ख़राब आ रही है। और देखो ये मैं कैसे उछल रहा हूँ, आप देख सकते हो, कुछ इस तरह से वीडियो क्वालिटी आती है। तो हम इसको फटाफट से चार्ज में लगा देते हैं, क्योंकि चार्ज बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच यार, और इसी तरह से आप प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। गुड बाय।